नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 लाइव सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों पर। ट्रांसफार्मर लगाए जाने के दौरान धन उगाही का आरोप। महुआइमा प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाए जाने का फरमान जारी कर रही है, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी उनके आदेशों का पलीतल लगाने में बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला महुआइमा के तिलक का पूरा का प्रकाश में आया है, जहां पिछले 4 दिन से जला ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण लोगों में खासा आक्रोश रहा। वहीं अधिकारियों की शिकायत के बाद ट्रांसफार्मर बदले जाने को लेकर लाइनमैन कमलेश कुमार 500 रुपए की मांग की गई। उपभोक्ताओं की माने तो उक्त लाइनमैन द्वारा कनेक्शन जोड़ने व फ्यूज जोड़ने अन्य चीजों के लिए 500 से 1000 रुपए तक धन उगाही की जाती है, जिसको लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजन शर्मा की रिपोर्ट।